स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाब दी सियासत नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर आ रही है। दिल्ली दे विच राहुल गांधी दे घर पिछले कई घंटियां तों एक वड्डी बैठक चल रही सी कांग्रेस नूं लैके, पंजाब कांग्रेस दे हालातों नूं लैके। इस दौरान प्रशांत किशोर राहुल गांधी दे घर पहुंचे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी दे घर पहुंचे, कई घंटे मीटिंग चली। उस तो बाद साढ़े सूत्रां दे मुताबक अज शाम नूं, अज थोड़े समय बाद एक वड्डी अनाउंसमेंट पंजाब कांग्रेस लई कीती जा सकती है, और एक अनाउंसमेंट नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी हुई कीती जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू का रोल की रहेगा आने वाले दिनों दे विच, इस नूं लैके पंजाब कांग्रेस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू किस किरदार दे नाल हुण दोबारा एंट्री करनगे, इहनूं लैके कांग्रेस हाई कमांड वड्डा ऐलान कर सकती है। साढ़े सूत्रां दे मुताबक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रेजिडेंट वजों नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के घर पिछले कई घंटों तो पंजाब के मसलों को लैके मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, प्रियंका गांधी, हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस इंचार्ज ने, वह भी बैठक के मौजूद थे। प्रशांत किशोर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोलीटिकल एडवाइजर ने, वह भी मौजूद थे। सारे ही तमाम जिहड़े नेता, वड्डे वड्डे नेता और प्रशांत किशोर को मिला के पंजाब कांग्रेस के हालातों ठीक करने लिए एक मीटिंग कर रहे थे, और उस ही साढ़े सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि अज पंजाब कांग्रेस के लिए कांग्रेस हाई कमांड एक वड्डी अनाउंसमेंट कर सकती है, और यह अनाउंसमेंट नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी हुई देखी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू लई अनाउंसमेंट हो सकती है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अजय जा दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। अजय, की लग रहा है मीटिंग, हाई लैवल मीटिंग जी अज कांग्रेस की चली है, ये नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके वड्डा तोहफा मिल सकता अज? लेकिन निश्चित रूप से रिमांसू, पंजाब को लेकर पल पल खबर बदल रही है। जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के घर से आज हुई है और जो अभी भी जारी है, राहुल गांधी इस वक्त 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर में मौजूद है। और इससे पहले जिस तरह से 3 बजे के करीब सबसे पहले प्रशांत किशोर पहुंचते हैं राहुल गांधी के घर, फिर प्रियंका गांधी आती है सुरभूत के कुछ ही मिनटों के बाद, और फिर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, और सबसे आखिरी में हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी है वो पहुंचते हैं। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक इन लोगों की मुलाकात होती है। हालांकि कोशिश ये की गई थी कि इस पूरे मुलाकात को गोपनीय रखा जाए, लेकिन दैनिक सवेरा पे ही सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी प्रशांत किशोर के पहुंचने की। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर की गाड़ी वहां से खाली गाड़ी चली जाती है, उससे पहले राहुल, प्रियंका गांधी दोनों ही सोनिया गांधी से मिलने पहुंचते हैं। और अब जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अगले कुछ घंटों में पंजाब को लेकर और खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान कर सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें ये भी संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब के प्रदेश प्रधान की भूमिका भी उनको मिल सकती है। हालांकि इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को आप देखें तो लगातार चीजें बदल रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर फैसला कांग्रेस के 3 लोग कर रहे हैं, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। खास तौर से प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी बैकिंग कर रही है, और इसके अलावा चाहे वो कमेटी के 3 सदस्य हो या प्रभारी हो, इन तमाम लोगों को से राय मशवरा जरूर किया जा रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर गांधी परिवार ने एक फर्म डिसीजन ले लिया है कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देनी ही देनी है पंजाब में, उसकी पूरी भूमिका और उसको लेकर बाकी नेताओं को किस तरह से समझाया जा सकता है। अजय, तो फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जिस तरह आप भी दावा कर रहे थे लगातार दैनिक सवेरा, तो असं दावा तो कर रहे हैं कि सिद्धू खेमे के जोड़े सूत्र ने साडे, वो ये कॉन्फिडेंट है, नवजोत सिंह सिद्धू भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे प्रधानगी लैके, पर जी तमाम पंजाब कांग्रेस की बाकी लीडरशिप है वह अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि रिजेंटमेंट आ सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के ऐलान तो बाद। तो तुम कह रहे हो कि कुछ घंटे के पंजाब कांग्रेस लिए हाईकमांड वड्डा ऐलान कर सकती है, और नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है वो ऐलान, और हो भी प्रधानगी लैके सकता है। निश्चित रूप से मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एक बड़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा, वो सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के इर्द गिर्द ही है। पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी को जो बड़ा फैसला लेना है, उस बड़े फैसले के में जो अड़चने हैं वो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के किरदार को लेकर है, बाकी सारे फैसले ले लिए गए हैं। असी क्योंकि अटकलों का बाजार बड़ा गर्म रहा है जो कांग्रेस का कलेष चल रहा है,
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ? देखिए जिस तरह का रिजेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखते हुए ये लगता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने एक तरफा फैसला लिया, जिसको मैं एक तरफा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से ये पूरा एक्सरसाइज चल रहा है पंजाब कांग्रेस का, जो भी है वो कमेटी के सामने लोगों का आना, सबसे मुलाकात, राहुल गांधी की मुलाकात, कमेटी के लोगों से बातचीत, इन सब में ज्यादातर लोगों की राय इस बात की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू एक क्राउड पुलर है, एक मास कैंपेनर है, जिनका जिनकी लोकप्रियता है। लेकिन चाहे वो पंजाब कांग्रेस के मेजोरिटी जो बहुमत के नेता है, जो सीनियर लीडर्स है, उनका कहना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रधान बना दिया जाता है वहां पे, तो वो संगठन को साथ में लेके और सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। तो एक तो पंजाब कांग्रेस के लोगों की आपत्ति थी जो वहाँ के सीनियर लीडर्स है, जिसमें बहुमत इस बात के खिलाफ था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान ना बनाया जाए। मतलब अजय समझिए कि जो कमेटी की रिपोर्ट सी, जो पंजाब के एम एल ए नेता एम पीज ने सलाह दी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू कैंपेनिंग तो सफल साबित होंगे ने, पर प्रधान ना बनाया जाए, प्रधानगी ना दी जाए, तो फिर मतलब कमेटी की रिपोर्ट भी हाईकमांड नहीं मान रही और प्रियंका गांधी जो चाह रहे हैं वो हो रहा है इस वे कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस लिए खासकर। रिमांशु मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ा फैसला अगर पार्टी करती है तो वो फैसला सिर्फ गांधी परिवार कर रहा है, ये नहीं है कि पार्टी की राय ऐसी है और फिर उस कमेटी की चाहे रिपोर्ट हो, चाहे राहुल गांधी को जिन लोगों ने फीडबैक दिया है उनमें वो फीडबैक में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है या कमेटी के रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाया जाए। ये प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू हाल में जब आए वो सबसे पहले प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की, फिर प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी से मिलने के लिए वो पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस का लीडरशिप ये चाहता है। और अगर ये बड़ा ओहदा नवजोत सिंह सिद्धू को दिया जाता है तो ये आप मान के चलिए कि ये फैसला। अजय आज प्रशांत किशोर ने की सलाह मशवरा किया होगा, प्रशांत किशोर ने किससे लई बैटिंग की होगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह लई बैटिंग की या फिर नवजोत सिंह सिद्धू लई बैटिंग की, या फिर राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर नू मीडिएटर बनाया है कि जो डिसीजन नवजोत सिंह सिद्धू नू लैके हाईकमांड लैन जा रही है तो प्रशांत किशोर चंगे तरीके ना कैप्टन अमरिंदर सिंह नू कन्वे कर सकन, ये तो नहीं कितने प्रशांत किशोर का अज रोल रहा अज? देखिए प्रशांत किशोर का इस पूरी पिक्चर में आना, प्रशांत किशोर के भूमिका को सबसे पहले समझना जरूरी है। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं जुड़े हैं, प्रशांत किशोर एज एडवाइजर जुड़े हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ना पंजाब में कर रहे हैं ना नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहे हैं, जैसा कि वो तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के साथ हाल में कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर की भूमिका सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका है, लेकिन प्रशांत किशोर का राहुल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप से मुलाकात करना ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर प्रशांत किशोर की भूमिका सलाहकार से ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में होगी। हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से प्रशांत किशोर के बाबत जानकारी है, प्रशांत किशोर ने 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए राहुल गांधी के सामने और प्रियंका गांधी के सामने आज एक ब्लूप्रिंट रखा है, ये भी एक बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर ने राहुल प्रियंका गांधी के सामने बिल्कुल अजय अजय कांग्रेस पार्टी दोबारा जीते उसका ब्लूप्रिंट पूरा खाका रखा है पंजाब के लिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना नवजोत सिंह सिद्धू को बीच में रख के कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो सकता, तो ये आप मान के चलिए कि प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुलाकात में सिद्धू का जिक्र जरूर आया होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब ये बैठक चल रही थी उसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने उस विवादित ट्वीट पे सफाई करते हुए एक ट्वीट किया है। बिल्कुल उसके बाद भी अगला ट्वीट कर देता है। अजय तुहानू मैं रोकना चाहांगा, इत्थे तुसीं साडे नाल लगातार जुड़े रहो। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को दस दवां कि आने वाले कुछ घंटे के साडे सूत्रां दे मुताबिक
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ PPCC ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, KC ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਪੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ 2022 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, 2022 ਦੀ ਜੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, KC ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਨੀਲ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ PCC ਚੀਫ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਟਕਲਾਂ ਬੜਾ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ CM ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ MLA ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। 8 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣੇਗਾ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ
अजय आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? जी जी, आप सवाल दोहराएं। मेरा सवाल यही है कि कोई होर जानकारी तुहानू मिली होवे, जिस तरह तुसी कह रहे हो कि सूत्रां मुताबक अज वड्डी अनाउंसमेंट हो सकती है, होर इस घटनाक्रम नाल अज दी घटना नाल जुड़ी कोई होर खबर तुहाडे कोल? देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले एक जानकारी और आई है कि पंजाब के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, वो भी बैठक से निकले हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगले, हालांकि उनका कहना है कि इसमें एक दो दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन जानकारी यही आ रही है कि पंजाब को लेकर घोषणा होगी। लेकिन आज जो जानकारी हमारे पास है उसमें आज भी कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, हालांकि उनका कहना है कि पंजाब को लेकर एक समग्र रूप से बड़ी प्रेस रिलीज आनी है, जिसमें संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और जो बदलाव होने हैं उन सब की घोषणा बारी बारी से कांग्रेस आला कमान की तरफ से किया जाएगा। हो सकता है एक से ज्यादा प्रेस रिलीज आए, कुछ घोषणाएं आज की जाए, कुछ घोषणाएं एक दो दिन के बाद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अजय, तुसी लगातार जुड़े रहो, पमिल मेरे नाल मेरे सहयोगी जुड़े चुके हैं, जिस तरह अजय कह रहे हैं या सूत्रां, क्योंकि हाले तो अटकलां ही होंदियां ने, बार बार जिहड़े इनफॉर्मेशन है बदल जरूर रही ने, पर जे नवजोत सिंह सिद्धू नूं पीपीसीसी प्रेजिडेंट अनाउंस कर दिता जाता है तो फिर कांग्रेस हालात पंजाब दे विच की रहन वाले ने, सुधरनगे या फिर जो हालात चल रहे ने वो होर बिगड़ सकते हैं? नहीं, मैं लगता हालात बिगड़न के चांसिज घट जाने हैं, क्योंकि हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाया जाता, मतलब यह है कि प्रैशर उपरों थले नूं आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत क्लीयरली कहता सीगा भी मेरे को बड़े पुराने टकसाली कांग्रेसी है, मैं 2 साल पहले आए बंदे नूं प्रधान किवें बनावां, और 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी नूं मिलन तों बाद कहिंदे आ कि हाईकमांड जो फैसला देगी मैनूं मंजूर होएगा। इहदा मतलब उन्हां दा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ते अंडरसटैंडिंग बन गई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मना लिया और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू वड्डा फेस लै लिया, ते थले किसी दे अंदर विरोध करन दी कैपेसिटी रही नहीं जानी जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्सेप्ट। कोई रिजाइनमेंट नहीं हो सकती, कोई थलड़े कांग्रेसी जिहड़े ने रिजाइनमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जदों कैप्टन सब तो वड्डे लीडर है, कैप्टन ने जिहड़ी रिजाइनमेंट शो की, कैप्टन जदों क्लीयरली कह चुके से मैं प्रधान नहीं बना सकता, उसके बावजूद भी सिद्धू प्रधान बन रहे ने, एक कन्फर्म खबर हैगी है सिद्धू प्रधान बन रहे ने, इहदा मतलब भी जे कैप्टन मन चुके हैं तो थले किसी की इन्नी बिसात है नहीं फिलहाल कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी नू चैलेंज कर सके। इस दे लई उपरों डिसीजन जिहड़ा आ गया एक्सैप्ट करना पेगा, हुण इहदे च इह भी चीज़ होगी बैलेंस बन गया ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह नू जिस तरह जिस सीएम फेस हो गए उन्हां दे लई भी चैलेंज खत्म हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने एक्सैप्ट करना पेगा, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी लाया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार ट्विटर से अपनी सरकार से सवाल चुकते हैं, तो जे प्रधानगी मिल जाती फिर वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि लगातार बेदबी के इशू में लैके, पावर परचेज में लैके लगातार अपनी सरकार से सवाल चुक रहे, फिर वो सिनेरियो किस तरह देख रहे हो, फिर वो सारे जे खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ जो आवाज चुकते थे तो फिर बंद कर देंगे? बंद तो नहीं करेंगे, फिर ये प्रधान सवाल पूछे जा सकते हैं भी आह गल इदा सी भी हूँ अपने सीएम को करा के दो, है ना, हूँ तो तुम अथॉरिटी से आ गए, उदो अथॉरिटी नहीं सी, हूँ यह भी देखो पिछले 3 दिन के अंदर अंदर नवजोत सिद्धू की वाली जी तोप का मूँह ना चेंज हो गया, अकाली दल वालू हो गया, आम आदमी पार्टी वाल भी जोड़े सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पूछ रहे थे लगभग वो शब्द बदल के उन्होंने वो सवाल हूँ कि दोवें पार्टी पूछने शुरू आम आदमी पार्टी भी हो गए, पर पमिल सवाल यही है कि जिस तरह इन्होंने अपनी सरकार से सवाल चुके जो प्रधान बन जाते हैं उस तो बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू का की रोल रह सकता है? सीएम फेस तो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह की कारगुजारी दिखाएंगे, टिकटों के अपने जिहड़े कैंडीडेट आ लिया के लिया सकते हैं, और जिस जे जिहड़ा प्रैशर वो ट्विटर तो जरिए बनाते रहे तो वो फिर फील्ड जाके बतौर प्रधान अपनी ही पार्टी से बनाएंगे अपने सीएम से बनाएंगे? देखो प्रधान की रैकमेंडेशन तो होंगी है टिकटों के, है ना, इंपोर्टेंट रैकमेंडेशन है, हो कितनी हो सकती है, वो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, है ना, इस तो वह कितनी हो जाएगी, पर इन्ना जरूर असी कह सकते हैं जे नवजोत सिद्धू प्रधान बन गए तो प्रगट सिंह की टिकट पक्की है, होर किसी मिले ना मिले, अजे पहला जे जिन्हों को लैके ज़्यादा डाउट किया जा सकता है कि सिद्धू का पोलीटिकल कद, बिल्कुल प्रगट सिंह की क्रेडिबिलिटी हैगी है, पर सिद्धू का पोलीटिकल कद बहुत वड्डा, सिद्धू नैशनल लैवल दे लीडर हैगे आ, ते प्रगट दे जिहड़े बयान सीगे उस तो बाद प्रगट की स्थिति थोड़ी जी डावाडोल मनी जा सकती सी, पर हुण प्रधान दे हिस्से जिन्नियां टिकटां आण पर घट्टो घट्ट एक जलंधर कैंट वाली टिकट ते पक्की हो गई, और अपनी एक अपनी टिकट तो पक्की है। इस तरह अजय जाप दिल्ली तो साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, अजय कोई होर नवी जानकारी तुहाडे कोल इस वेले इस खबर नाल जुड़ी हुई? देखिए रिमांशु, वही खबर है कि बैठक हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है, इंतजार बस इस बात का है कि औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान हो जाए कि किस तरह का बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर करने वाली है, किस तरह का बड़ा फैसला जो
सूत्रों के हवाले से जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आ रही है, उसका औपचारिक ऐलान यानी उसको लेकर जो प्रेस रिलीज जारी होना है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से, वो अब कितनी देर में सामने आता है इस बात का इंतजार करना होगा। बिल्कुल अजय, मतलब हजे भी किन्ने चांस समझ दो कि होर घंटे जो तुहाडे सूत्र जानकारी दे रहे, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं कर सकते, ये सूत्रां दी ही जानकारी है, हलचल लगातार वधदी जा रही है, पर किन्ने चांस ने अज ये अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए निश्चित रूप से अब इसको टाला नहीं जा सकता है, जितनी बैठकें होनी थी हो गई, जितना जितना सलाह विमर्श करना था कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कर चुका है। अब पंजाब को लेकर अब सिर्फ ये देखना है कि जो फैसला होगा वो सबको मान्य है कि नहीं, क्या ऐसा फैसला होगा जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, क्योंकि अगर जो भी भूमिका नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी का इस तरफ से दिया जाता है, लीडरशिप की तरफ से दिया जाता है, वो पंजाब कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी नवजोत सिंह सिद्धू संगठन को साथ में लेकर चुनाव में जा सकते हैं। बिल्कुल, नेतेबाजी और गुटबाजी जारी रहेगा तो वो सीधे तौर पे पार्टी को सैबोटेज करेगा, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो अब चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो भी बड़ा फैसला लिया जाएगा उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है, एक साथ लाना, ऑन बोर्ड करना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी 2022 के लिए तैयार कर सकती है। बिल्कुल अजय, जानकारी देने लिए तुहाडा धन्नवाद। जिस तरह साडे पत्रकार दिल्ली तो अजय जा इन्हां दे सूत्रां दे मुताबिक अज कांग्रेस हाईकमांड कोई वड्डा ऐलान कर सकती है पंजाब कांग्रेस दे नाल जुड़े, और एक दो दिन तक ऐलान हुंदे रहणगे, क्योंकि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बदलिया जाना है, यह भी खबर आ रही है, कैबिनेट दे विच नवे मंत्री आ सकते हैं, यह भी खबर आ रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स जिहड़े हुंदे ने कांग्रेस दे वह भी बदले जा सकते हैं, तो यह भी खबर इस तरह आ रही है। तो ऐलान लगातार आने वाले दिनों के हूँ एक दो दिन के शुरू हो जाएंगे, और अज वड्डी अनाउंसमेंट नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी हुई हो सकती है। एक सूत्र कह रहे हैं जदों तक हुण कांग्रेस हाईकमान का प्रेस रिलीज़ नहीं आता, कांग्रेस इंडियन नैशनल कांग्रेस के लैटर हैड से लिखी हुई वो गल सामने नहीं आती कि जो फैसला पंजाब कांग्रेस लिए किया गया उदों तक सिर्फ जिहड़ियां अटकलां ने या चर्चावां ने छिड़ियां रहणगियां, चर्चावां ते अटकलां ते विराम उस दिन लगेगा जदों कांग्रेस हाईकमान का प्रेस नोट कांग्रेस हाईकमान के लैटर हैड से लिखी हुई वो गलबात सामने आ जाएगी। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।